हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बनाएंगे ये एक छोटा सा पाउच मैंने बनाया है इस शेप में। ये हमारा समोसा शेप में बना है और यहाँ पर मैंने जिप भी लगाई है और इसके अंदर आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसके लिए कपड़े का पीस लिया है, 6 इंच है यहाँ से और यहाँ से भी 6 इंच है, सीधी साइड है कपड़े की। और एक जिप लेनी है, जिप का ये रनर है, इसे हमें इस तरह से ऐसे रखना है यहाँ पर। और इसी साइज का एक और पीस लेना है, इसे इसके ऊपर ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद इस पीस को इस तरह से ऐसे टर्न करना है और इस तरह से ऐसे रख लेंगे। इसके बाद ये पीस लेना है, इसे यहाँ पर ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह पलटना है पीस और ये पीस ऐसे रखना है और इस तरह जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगने के बाद अब ये पीस है इसको इस तरह से रखना है और ये नीचे का पीस है इसे इस तरह से ऐसे रख लेना है। तो जिप हमारी सेंटर में आ गई है, ये देखिए दोनों साइड से। इसके बाद कपड़े का ये टुकड़ा लिया है, यहाँ पर 1.5 इंच लिया है चौड़े में, इसको यहाँ पर इस तरह फोल्ड करना है दोनों साइड से और फिर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये रेडी कर लेनी है स्ट्रिप्स और इस तरह से फोल्ड करना है। ये कपड़ा है हमारा ऊपर का है और ये कपड़ा इस तरह से ऐसे कर लेंगे। तो इस पीस के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये नीचे का पीस है जो हमारा लाइनिंग का, इसे हमें इस तरह से रख लेना है। फिर दोनों पीस है इनको इस तरह से रखना है और ये लाइनिंग के पीस है इनको इस तरह रखना है। ये जिप हमारी यहाँ सेंटर में ऐसे आई है, अब यहाँ से सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सिलाई लग गई है। अब देखिए ये कपड़ा डबल है, ये भी डबल है, तो इसको हमें इस तरह से खोलना है और ये भी इस तरह से ऐसे खोलना है दोनों को। ये देखिए इस तरह से ऐसे खोलना है और दोनों को मिला देना है। यहाँ पर जिप है और ये सिलाई वाला है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारे ये दो पीस हैं और ये दो पीस हैं और सिलाई ये है और यहाँ पर जिप है और ये दूसरे पीस की सिलाई है। ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये कपड़ा आ गया है, ऐसे ये खुला है यहाँ से। अब यहाँ से सिलाई लगानी है और इतना प्लेस हमें छोड़ देना है 2 या 3 इंच का और यहाँ से ये यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले ये जिप का जो रनर है इसे हमें अंदर को कर लेना है इस तरह से और इस तरह से ऐसे यहाँ से सिलाई लगानी यहाँ तक और यहाँ से ये यहाँ तक सिलाई। और ये एक्स्ट्रा जिप है इसे कट कर लेना है, ये दूसरी साइड की भी इसी तरह कट कर लेनी है। पर्स को हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ से सीधा कर लेना है। अब ये अंदर की साइड है, यहाँ पर हमने सिलाई यहाँ पर छोड़ा था, सिलाई नहीं लगाई है। इस कपड़े को अच्छे से इस तरह अंदर को करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगा दी है, अब इस कपड़े को भी अंदर को कर देना है और ये कॉर्नर्स है इनको अच्छे से ऐसे बिठाते हुए अच्छे से निकाल देने हैं कॉर्नर्स। ये हमारी जिप आ गई है, इस तरह से बना है समोसा टाइप।
अब इस पर्स में आप अपना छोटा मोटा जैसे स्टिचिंग का सामान है या आप का कुछ और सामान है मेकअप वगैरह का, वो डाल सकते हैं और इस तरह से हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये चारों तरफ से इस तरह से बना है। तो आपके पास बचा हुआ कपड़े का छोटा सा पीस है, उससे बड़ी ही आराम से आप इस तरह का पाउच बना सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा? ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए ट्रिक के साथ।